Hope you all are fine. So today we will discuss about assignment 2 of class 1, subject science, chapter 2. Chapter का नाम है फूड्स वीक ए. हम लोग ये chapter अच्छे से पढ़े हैं. तो आज हम लोग इस chapter में जो मैं आप लोगों को assignment provide की थी वो discuss करेंगे. Assignment में बहुत सारे question थे जो कुछ बच्चे बनाए हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाए हैं. जो बच्चे नहीं बनाए हैं या जिनकी गलती हो गई है वो एक बार अच्छे से इसको रिपीट कर लें. चलिए स्टार्ट करते हैं. असाइनमेंट का जो हमारा पहला है ए नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उससे हमें आंसर करना है. जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी नीड फूड, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है. आंसर लिखेंगे वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. यानी कि फूड हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है. फूड से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जिससे हम कोई भी काम करते हैं या खेलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाई वी शुड नॉट ईट ऑयली थिंग्स, यानी कि हमें ऑयली थिंग्स क्यों नहीं खानी चाहिए, यानी जो तेल से तली हुई चीजें होती है वो ज्यादा क्यों नहीं खानी चाहिए. तो ऑयली फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो वी शुड नॉट ईट ऑयली थिंग्स. यानी कि जो ऑयली फूड होती है, तेल से बनी हुई चीजें होती है, वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, उससे हमारा हेल्थ पे असर पड़ सकता है. इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में ये सब भी चीज नहीं खानी चाहिए. तो आप लोग साथ में आंसर लिखते चलेंगे. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाई वी शुड नॉट ईट मैनी स्वीट्स एंड टॉफीज, यानी कि हम लोगों को ज्यादा मिठाइयां या फिर टॉफी क्यों नहीं खानी चाहिए. तो आंसर लिखेंगे टू मैनी स्वीट्स एंड टॉफीज कैन स्पॉइल आवर टीथ, यानी कि बहुत सारे ज्यादा मात्रा में अगर टॉफी स्वीट्स ये सब खाते हैं तो आपके दांत है वो खराब हो सकते हैं, उसमें कीड़े लग सकते हैं. इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज हेल्दी फूड, यानी कि हेल्दी फूड किसे कहते हैं, क्या है हेल्दी फूड. द फूड दैट मेक्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड, यानी कि वैसे फूड, वैसा भोजन जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है और जिसे खाने से हमें बीमारियां नहीं होती है, हम स्वस्थ रह सकते हैं, वो सारी चीजें को हम हेल्दी फूड में शामिल कर सकते हैं. यानी वो सारी चीजें हेल्दी फूड कहलाती है जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है, जिसे खाने से हमें बीमारियां नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 5 हेल्दी फूड्स, यानी कि 5 हेल्दी फूड्स का नाम लिखना है. आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल, सीरियल्स एंड मीट, यानी कि ये सारे हेल्दी फूड्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे एग, मिल्क, ये सारे हेल्दी फूड्स हैं. तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं. यहाँ पे 5 मेंशन कर रखा है, सो हम लोग 5 ही लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आता है 6 पे, फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड आइटम्स, यानी कि हम जो फूड आइटम्स है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं. तो हम सभी जानते हैं कि फूड आइटम हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं. तो ऐसे लिखेंगे वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि ज्यादातर फूड आइटम्स हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी 7, फ्रॉम वेयर टू वी गेट फ्लेश, यानी कि हम लोग मांस कहाँ से प्राप्त करते हैं. तो हम लोग मांस एनिमल से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से नहीं करते हैं. तो हम लोग लिखेंगे वी गेट फ्लेश फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हम लोग मांस एनिमल से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, राइट 5 मिल्क प्रोडक्ट्स नेम, यानी कि 5 मिल्क प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है. आप लोग यहाँ भी अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो सही लगे. हम यहाँ पे बटर, स्वीट्स, चीज, आइसक्रीम एंड कर्ड, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. मिल्क से बने हुए चीजों को मिल्क प्रोडक्ट्स कहेंगे. जो भी चीज मिल्क से बनती है उससे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे 5 दे रखा है, मेंशन तो हम लोग 5 ही लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ईट मील्स इन वन डे, यानी कि एक दिन में हमें कितनी बार भोजन करनी चाहिए. तो आप लोग एक्सरसाइज में पढ़े होंगे कि हम लोग को एक दिन में 3 बार भोजन करनी चाहिए. तो आंसर लिखेंगे वी शुड ईट 3 मील्स इन अ वन डे, इन अ डे भी लिख सकते हैं, यानी कि एक दिन में हमें 3 टाइम भोजन करना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, शुड वी ईट आवर मील्स एट द राइट टाइम. क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या हमें अपने भोजन को राइट टाइम पे करना चाहिए. यस वी शुड, यानी कि हाँ हमें करना चाहिए. हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वी शुड टेक
इन ब्रेकफास्ट, यानी कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं, या फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फूड हेल्दी फूड जो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है वो हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमने ब्रेड, जैम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब लिख रखे हैं, आप इसके साथ पर्ल्स, सीरियल्स, ये सारी चीजें भी ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 12, व्हाट इज द कंप्लीट फूड फॉर बेबीज, यानी कि बेबी के लिए कंप्लीट फूड क्या है। हम लोग एक्सरसाइज में पढ़े थे और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर बेबीज, यानी कि छोटे बच्चों के लिए, बेबी के लिए मिल्क कंप्लीट फूड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, राइट फोर गुड फूड हैबिट्स, यानी कि हमें फोर गुड फूड हैबिट्स को लिखना है, भोजन की चार अच्छी आदतें को लिखना है। तो हम लिखेंगे फोर गुड फूड हैबिट्स आर, फर्स्ट में लिखेंगे वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी कि भोजन खाने के पहले और खाने के बाद अच्छी तरीके से हाथों को धोना चाहिए। सेकेंड लिखेंगे रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी कि भोजन खाने के बाद हमें अच्छी तरीके से कुल्ला करना चाहिए, यानी कि मुंह को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। नेक्स्ट है ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल, यानी कि हमें फूड को धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छी तरीके से चबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ टॉपिक, डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, और खाने के समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं शुड बी वेस्ट फूड, क्या हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए। नो, हम लोग अभी भी पढ़ते हैं नो वी शुड नॉट वेस्ट फूड, कितनी बार हम लोग चैप्टर में इसको डिस्कस किए हैं कि हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, शुड वी टॉक व्हाइल ईटिंग, क्या हमें खाने के समय बात करनी चाहिए। नहीं, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं नो वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, यानी हमें खाने के समय बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग है, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उसकी हेल्प से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका सेंटेंस डैश गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी इसको लिखे थे फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा फूड, आप लोग क्या फील करेंगे फूड फील करेंगे। नेक्स्ट है वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम, यानी कि हम लोग ज्यादातर फूड आइटम्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ज्यादातर फूड आइटम्स हम लोग प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, तो आप लोग प्लांट्स को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, हम लोगों को फूड की जरूरत क्यों होती है, सारे जो क्वेश्चन है वो हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी डिस्कस हो रखा है, तो हम लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जान गए कि वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, यानी कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है वी ईट 3 डैश इन अ डे, यानी कि 3 टाइम क्या करना चाहिए, तो 3 टाइम भोजन करना चाहिए, यानी कि मील्स, वी टेक 3 मील्स इन अ डे। नेक्स्ट है 5 वी मेक आइसक्रीम फ्रॉम, हम लोग आइसक्रीम किस चीज से बनाते हैं, तो हम लोग आइसक्रीम मिल्क से बनाते हैं। आप लोगों के असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फूड हेल्प अस टू ग्रो रन स्लीप, तो हम लोग जानते हैं कि फूड जो है वो हमारी किस चीज में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है, तो आप लोग ग्रो में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फूड ईटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, मतलब कि किसको हम लोगों को दिन में पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, तो मील, ब्रेकफास्ट एंड लंच, ब्रेकफास्ट लंच सभी हम लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, यानी कि हम लोगों को मील यानी कि भोजन ही पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, खास टाइम पे करना चाहिए, निश्चित एक टाइम होना चाहिए कि हम लोगों को किस टाइम पे अपना भोजन लेना है, तो आप लोग इसको मील में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वी गेट एग्स फ्रॉम, यानी कि हम लोगों को एग कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट, हे, जेब्रा, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को
प्राप्त होता है यानी मुर्गी से प्राप्त होता है, तो हम लोग पेन में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है वी गेट मिल्क फ्रॉम, यानी कि हम लोग मिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है डॉग हॉर्स काउ, हम लोग क्वेश्चन से क्लियर है कि हम लोग मिल्क काउ से प्राप्त करते हैं यानी कि गाय से। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू मेक कर्ड बटर एंड चीज, किसका हम लोग इस्तेमाल इन सब चीजों को बनाने में करते हैं। मिल्क सुगर राइस, तो हम लोग मिल्क का यूज करते हैं, ये सारी चीज मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग मिल्क में टिक कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि इसमें भी आपको वही करना है, कुछ वर्ड्स बिलो दिए हुए हैं, आपको इसके हेल्प से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इसका फर्स्ट सेंटेंस है वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम गैस, यानी कि हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एट प्ले, आप लोग प्ले फिल करके चलेंगे ये सब। फिर नेक्स्ट है वी ईट थ्री डैश इन अ डे, तो हम लोगों को थ्री टाइम क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, तो वी ईट थ्री मील्स इन अ वन डे। नेक्स्ट है वी मेक चीज फ्रॉम, यानी कि हम लोग जो चीज है वो किस चीज से बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं चीज मिल्क प्रोडक्ट है, यानी कि चीज हम लोग आपको मिल्क से ही बनाएंगे। नेक्स्ट है फाइव ईट स्लोली एंड डैश द फूड बिल, हम लोगों को स्लोली और कैसे भोजन करना चाहिए, चबाकर करना चाहिए, तब लोग च्यू फिल करते चलिए। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, साथ में कंप्लीट करते चलिए। उसके बाद सी नंबर पे आते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स इसको सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसका फर्स्ट है वी ईट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स ओनली, यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग फूड जो है केवल प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो नहीं, हम लोग केवल प्लांट से फूड प्राप्त नहीं करते, हम लोग कुछ कुछ फूड एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अगर रहता वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स तो ये फॉल्स सॉरी ट्रू था, अगर ये ओनली लगा दिया है यानी कि केवल प्लांट से प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग केवल नहीं प्लांट से प्राप्त करते, हम लोग कुछ कुछ फूड ऐसे भी है जो हम लोग जैसे प्लेस एग ये सब जो है एनिमल से भी प्राप्त करते हैं, ये पेट नहीं दे सकते। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प अस टू ग्रो, तो हम जानते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ग्रो करने में हमारी मदद करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है वी शुड नेवर वेस्ट आवर फूड, हम लोगों को अपना भोजन कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, यानी कि हम लोगों को कभी भी अपना भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप लोग इसमें ट्रू फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी कि जितनी बार हमें भोजन करना चाहिए उससे पहले हमें हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए और उसके बाद भी हमें अच्छे से हाथों को धोना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वी शुड टॉक व्हाइल ईटिंग, यानी कि हम लोगों को खाने के दौरान बातें करनी चाहिए, नो, हम लोग अभी इसको कितनी बार पढ़े कि हम लोगों को खाने के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉज कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर डी मैच द फ्लो, यानी कि आपको दो कॉलम में दे रखा है, आपको मैच करना है किसके सेंटेंस किससे मैच करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट में जो भी आंसर होना चाहिए वो सामने लिख दी हूँ, आप लोग इसको देख के अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे वेट एंड राइस, चावल और गेहूं क्या है, आर गुड सॉरी आर फूड ग्रेन्स, यानी कि ये सब क्या है, ये फूड ग्रेन्स है यानी कि अनाज है। नेक्स्ट है मिल्क इज अ हेल्दी ड्रिंक, मिल्क जो है वो एक हेल्दी ड्रिंक है। फ्लेश मांस इज द फूड फ्रॉम एनिमल्स, फ्लेश जो फूड है वो किससे प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऑयली फूड नॉट गुड फॉर हेल्थ, हम लोग अभी पढ़े हैं कि ऑयली जो फूड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होता है। नेक्स्ट है फूड एंड ड्रिंक, फूड और ड्रिंक कीप अस अलाइव, यानी खाने और पीने से ही हम जीवित रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ई आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि कुछ क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको आंसर करना है। ये सारे क्वेश्चन लगभग असाइनमेंट में डिस्कस हो चुके हैं, आप लोग चाहे तो उसी को आंसर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, नेम फोर थिंग्स दैट वी मस्ट ईट टू कीप फिट, यानी कि इसमें हेल्दी फूड के बारे में बोल रहा है, हम लोग पांच हेल्दी फूड लिखे हैं, उसमें से आपको कोई फोर इसमें
लिख देना है, वो जो भी हेल्दी फूड ही हमें फिट रखने में मदद करता है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, हेल्दी जो लिखा थी मैं, यहाँ पे है कि फूड जो हमें फिट रखता है। आप लोग इसमें से फोर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट देयर गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमें गुड फूड हैबिट्स को लिखना है। आप लोगों को मैं फोर गुड फूड हैबिट्स लिखवा चुकी हूँ, आप लोग उसमें से कोई थ्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है नेम एनी टू मिल्क प्रोडक्ट्स, हम लोग पांच मिल्क प्रोडक्ट्स पर हैं अभी, आप लोग इसमें से कोई दो लिख सकते हैं, कर्ड चीज बटर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड, यानी कि हम लोग कहाँ से अपनी ज्यादातर भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम लोग ज्यादातर अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से असाइनमेंट में डिस्कस हो चुका है, आप लोग इसको आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज हेल्दी फूड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से असाइनमेंट में डिस्कस हो चुका है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद डू विद फन, आप लोग इसको फन के लिए अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहीं पर आपका चैप्टर क्लियर होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे तरीके से, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके अच्छे से आप देखकर फिर कर सकते हैं, और जो भी वर्ड मीनिंग मैं दे रखी हूँ उसको आप लोग याद कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।